हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी भी मिली मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में कल दोस्तों शीतलहर का दौर शुरू हो गया है। वहीं ठंडी पछुआ हवाओं से हार्ड कंपाना शुरू कर दिया है। कोहरा लगातार घना होता जा रहा है और कई इलाकों में कोल्ड डे की कंडीशन बनी हुई है। वहीं दोस्तों आज भी दिन की शुरुआत ठिठुरन गलन और कोहरे से हुई है। कानपुर और आगरा में शीतलहर की चपेट में है। वहीं 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कानपुर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा है। वहीं आगरा में 3.9 डिग्री तापमान के साथ ठंड में दूसरे स्थान पर रहा है। पूरे प्रदेश का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया जा रहा है और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है। वहीं लखनऊ में दोस्तों परसों जैसे हालात रहे हैं और न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ 6.5 डिग्री की अपेक्षा 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक शीतलहर जैसे हालात की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले दिनों में भयंकर शीतलहर और शीत दिवस जैसे रहने की संभावना है। तो किन किन जिलों के अंदर शीतलहर होगी, किन किन जिलों के अंदर शीतलहर जैसी स्थिति बनी रहेगी, तो पूरी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको छोटा सा काम करना होगा, जल्दी से आपको इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद जो पास में घंटी इसको दबाकर इस कॉल पर जरूर से क्लिक कर देना। इतना करने के बाद नीचे कमेंट में जाना और यहाँ पर अपने जिले और अपने गाँव का नाम जरूर से लिख देना, ताकि आपके गाँव में और आपके जिले में जब भी बारिश संबंधी मौसम संबंधी कुछ भी जानकारी हो तो उन सब की जानकारी मैं आप तक आसानी से पहुंचा पाऊँ। तो अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के मौसम की जानकारी की। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी के साथ ठंड का ट्रिपल अटैक जारी है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश में कोहरा शीतलहर के साथ कोल्ड डे का भी अलर्ट जारी हुआ है। वहीं पूरी और पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में आज अत्यंत ठंड रहने की संभावना जताई है। अगले 2 से 3 दिन तक ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं है। वहीं कानपुर में पिछले 24 घंटों में सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा है। यहां का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में आज भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसी बीच राज्य के ज़्यादातर जगहों पर आज घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी कर दी गई है। वहीं राज्य में आज कोल्ड डे की स्थिति रहने की संभावना है। इसी बीच शीतलहर से सर्दी से परेशानी कर सकती हैं। वहीं दोस्तों कल और परसों भी ऐसा मौसम रहने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। हालांकि इसके बाद धीरे धीरे तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जबकि न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। यूपी में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और तापमान में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं राज्य में कल सबसे ठंडा दिन रहा है। वहीं न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा है। वहीं कानपुर में सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा है और यहां का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं राजधानी लखनऊ का तापमान भी अच्छी खासी गिरावट देखी गई। यहां का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री, आगरा का 3.9 डिग्री, अलीगढ़ और मेरठ का 4.8, मुजफ्फरनगर, शाहजहाँपुर, बरेली और बाराबंकी में 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा है। नजीमाबाद, लखीमपुर खीरी, हरदोई, अयोध्या और बलिया में 7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। आज इन इलाकों में कोल्ड डे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में आज आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, कानपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी में घने कोहरे के साथ कोल्ड डे और शीतलहर की अलर्ट जारी हुआ है। इसके अलावा लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, हमीरपुर, फतेहपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, अमेठी, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, वाराणसी, जैनपुर, सुल्तानपुर में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य के बाकी हिस्सों में भी आज शीत दिवस और कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है।